NewsJobTap.in से मुकेश मिश्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज सतना पहुंचे, जहां उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों और असंगठित श्रमिकों के सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रदेश की दूसरी ओपन जेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, सूक्ष्म लघु उद्यम राज्य मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक, सांसद सतना गणेश सिंह, महापौर ममता पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष सतना सुधा सिंह, कटनी श्रीमती ममता रंगलाल पटेल, अध्यक्ष कल्याण बोर्ड श्रीमती पद्मा शुक्ला, विधायक सतना शंकरलाल तिवारी, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, कटनी विधायक संदीप जायसवाल, नरेंद्र त्रिपाठी, कमिश्नर रीवा महेश चंद चौधरी, कलेक्टर सतना मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर कटनी KVS चौधरी, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंगड़कर, सतना जिला पंचायत CO साकेत मालवी, आयुक्त नगर निगम सतना प्रवीण सिंह अढ़ाया सहित अन्य प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं भारी संख्या में हितग्राही मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन कर सतना और कटनी जिले के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के हितग्राहियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन का शुभारंभ किया। CM ने भाजपा सरकार के योजनाओं का सिलसिलेवार बखान किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरे कांग्रेसी हो तुम, मुझे कहते हो मैं किसान विरोधी हूँ, तुमने चने का दाना नहीं खरीदा, तुमने लहसुन की कली नहीं खरीदी, तुमने गेहूं का एक बोरा नहीं खरीदा। शिवराज सिंह चौहान से आंख मिला के तुम बात करते हो, ये भान सागर बना, कांग्रेस के लोग जवाब दे। 30-30 साल तुमसे भान सागर बांध नहीं बना था ये, और मुझसे बात करते हो। भान सागर मैंने बनाया, शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। पत्थर गड़ा के भूल जाते थे, आज यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा। अरे एक न्याय यात्रा निकल रहे, एक कह रहे समन्वय यात्रा, एक कह रहे बैलगाड़ी यात्रा। शिवराज को गाड़ी देने कह रहा, और कोई धंधा तुम्हारे पास नहीं, तुम 18% ब्याज पे कर्जा देते, मैं 0% ब्याज पे कर्जा देता हूँ, खाद का के भंडारण करके रखता हूँ, खेतों में पानी पहुंचाता हूं। सूखे के साल में इतनी भयंकर फसल कम पर उत्पादन हुआ, तो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के कारण भंडार बिजली मैंने दी है। आप बताओ कांग्रेस के जमाने में मिलती थी बिजली? अरे आधा भी भूल गए, अंधेरा बना दिया तुमने प्रदेश को, तबाह बर्बाद कर दिया। संतों में जब भेजे लाला कुछ सोते ही नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और उनके पास तुम कभी जाते थे फसल खराब हो गई, राहत मुआवजा दे दो, तो सुनते ही कहते थे जिसका जो धरता है, गरीबों के लिए धरता है।